एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वंदना। कैसे हो आप सब, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज का वीडियो टोटली अलग वीडियो है। मैं कई बार आपको वीडियो में बताती हूँ अलग अलग तरीके के फेस पैक बताती हूँ ग्लोइंग स्किन के लिए, पिंपल को दूर करने के लिए, जाइया को दूर करने के लिए। बट आज हम कोई भी फेस पैक यहाँ पर नहीं बनाएंगे। आज मैं आपको सिंपल आसान एक ट्रिक बताऊँगी। अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल सबको पता है कि सारे लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही होती है, तो हम स्किन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट आज से नहीं, सालों से ये जो तकनीकें चली आ रही है, आज मैं आपको पुरानी एक तकनीक बताऊंगी कि नाभि में ऑयल डालने से, जस्ट 1 मिनट आपके पास होना चाहिए कि नाभि में ऑयल डालने से हम हमारी स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इवन हमारी स्किन के ऊपर ग्लो ला सकते हैं, पिंपल को दूर कर सकते हैं, जाइया को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स बताऊँगी। ये जो तकनीक है, आजकल काफ़ी सारे स्पा में भी ड्रिपिंग सिस्टम से हमारे नाभि में ऑयल डालते हैं, आपने कई बार देखा होगा कहीं पर। तो आज मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पर बताऊंगी कि अगर आप स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, या तो घर का काम करते हो, बहुत सारा आपके पास टाइम नहीं है, तो जस्ट 1 या 2 मिनट निकाल कर ये आप सारी प्रोसेस कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हो। चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन कर दिया है, क्योंकि कई बार यूट्यूब में मुझे बहुत सारी कमेंट आती है, तो अगर मैं आपको आंसर नहीं करूँ तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। आई नो कि ये चिटचिट वीडियो है तो आप थोड़ा सा बोर हो जाओगे, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। क्योंकि जनरली मैं आप सबके साथ फेशियल, फेस क्रीम, फेस पैक, स्किन के ऊपर आउटर पार्ट में लगाने के वीडियो शेयर करती हूँ, बट आज मैं आपको बिना कुछ चेहरे के ऊपर लगाए स्किन को कैसे ग्लोइंग, फ्लॉलेस करें वो बताने वाली हूँ। तो आज की जो टेक्निक है मैं बबताऊँगी कि आप आपकी नाभि में जस्ट 3 या 4 बूंद ऑयल लगाओगे तो उससे आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हेयर के ऊपर असर पड़ेगा। क्योंकि आजकल स्पा में आपने कई सारे वीडियोस या तो फोटोज़ में देखा था कि ड्रिपिंग सिस्टम से हमारी नाभि में ऑयल लगाते हैं, हमारे बालों के ऊपर ऑयल लगाते हैं, और उसका खर्चा हज़ारों रुपये होता है। अगर वो रियली में टेक्निक असर नहीं करती होगी तो पार्लर में जाके या तो स्पा में जाके कोई लोग इतना खर्च नहीं करवाते। बट ये जो टेक्निक है सीरियसली काम करती है, और आज से नहीं, सालों से ये जो टेक्निक है चली आ रही है। तो आज मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाली हूँ, और आज मैं आपको अलग अलग तरीके के ऑयल नाभि में लगाकर कौन कौन से फ़ायदे आपको होते हैं वो बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना। ओके, तो सबसे पहले गाइस, ये सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ दी हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि हमारी ओवरऑल बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होता है वो नाभि होती है, तो इसीलिए आपको नाभि को अच्छे से, उसकी साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हमारे बॉडी के कई सारी पार्ट्स, इवन हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है वो भी हमारी नाभि से जुड़ी हुई होती है, और आप आपकी हेल्थ की कई सारी प्रॉब्लम और स्किन की कई सारी प्रॉब्लम नाभि से दूर कर सकते हो। नाभि में ऑयल लगाने से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑयल लगाने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो सबसे पहले तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि ऑयल हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से। सबसे पहले आप कोई भी ऑयल ले लो तो उसको हल्का गुनगुना करना होगा। हल्का गुनगुना ऑयल आपको नाभि में अप्लाई कर देना है। 7 से 8 बूंद आपको अप्लाई करनी है, और उसके बाद आपको इसे करीब 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। कई सारे ऐसे ऑयल होते हैं जो हमारी नाभि में एब्सॉर्ब हो जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बाकी बचा हुआ ऑयल है आपको नाभि के एरिया पर अच्छी तरीके से मसाज कर देनी है वहाँ पर, तो वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फेस के रिलेटेड। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी सारे लोग बिजी चल रहे होते हैं, तो लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी होती है, और हम हमारी स्किन की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो रात भर जगने के कारण और पूरी नींद ना लेने के कारण आँखों के एरिया पर हमारी ड्राइनेस भी आ जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, और हमें कई बार वहाँ पर कालापन हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है या तो आपको पफी आइस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, रिंकल्स है आँखों के एरिया पर, तो आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले 5 से 6 बूंद कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल की लेनी है, हल्का गुनगुना करना है आपको, और 5 से 6 बूंद
कोकोनट ऑयल की आपको नाभि में लगानी है। इस तरीके से 2 या 3 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है, वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो ऑयल है आपको हल्की तरीके से आपको नाभि के एरिया पर मसाज कर देनी है। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्निक है, आप एक बार ट्राई करना। ओके, तो सेकेंड यहाँ पर जो ऑयल बताने वाली हूँ वो है नीम का ऑयल। आपको पता होगा कि आजकल पिंपल की समस्या, एक्ने की समस्या, ब्रेकआउट, डार्क जो छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे चेहरे के ऊपर, ये सारी स्किन प्रॉब्लम बहुत सारी टीनेजर को होने लगी है। और कई बार ऑयली स्किन होने के कारण हमें बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं चेहरे के ऊपर। कई सारी आपने महंगी क्रीम ट्राई कर ली होगी, डॉक्टर के पास भी आप गए होंगे, अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो एक बार 1 वीक तक आप ये टेक्निक ट्राई करना। आपको क्या करना है कि आपको रात को सोने के टाइम आपको नाभि में 5 से 6 बूंद नीम ऑयल आता है, जिस तरीके से नीम का फेस वॉश आता है, नीम के फेस पैक आते हैं, उसी तरीके से नीम का ऑयल आता है, 5 से 6 बूंद आपको आपकी नाभि के ऊपर अप्लाई करना है और 3 से 4 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको हल्की सी मसाज कर लेनी है, ये अपने आप ट्राई हो जाएगा। नीम का ऑयल हमारे नाभि के सेंटर पॉइंट में लगाने से हमारी स्किन के ऊपर जो भी पिंपल की प्रॉब्लम होती है, जो भी एक्ने की प्रॉब्लम होती है, जो भी हमारे फेस के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं पिंपल के, तो उसको दूर करने का काम करेगा। ओके गाइज, अब मैं आपको जो ऑयल नाभि में लगाने को बोल रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आपने काफ़ी सारे स्पा में देखा होगा, फोटो देखी होगी और वीडियो भी कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको फेस को अच्छे से ग्लोइंग दिखाना है, फेस को क्लियर करना है, स्पॉटलेस करना है और चेहरे के ऊपर एक चमक लानी है, तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले नाभि में 3 से 4 बूंद हल्का गुनगुना बादाम का ऑयल आपको अप्लाई करना है। वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारे बॉडी की पूरी जो सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम, या तो बॉडी के कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं वो हमारे नाभि से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो हमारा सेंटर पॉइंट है। तो एक बार आप 1 वीक तक, 10 दिन तक ट्राई करना। बादाम का ऑयल हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। उसमें विटामिन ई भर भर के होता है, तो आपकी काफ़ी सारी हेयर की जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होने में आपको हेल्प मिलेगी। इवन कई सारे लोगों को डायरेक्टली कोई भी ऑयल फेस के ऊपर सूट नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से नाभि में ऑयल लगाओगे तो वो हमारी स्किन के लिए भी काम कर देगा। तो आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस दिखाने में, आपकी स्किन के ऊपर शाइन लाने में, चमक लाने में और रफनेस को दूर करने में, डार्क सर्कल को दूर करने में और ड्राइनेस को दूर करने में आपको हेल्प करेगा और आपकी हेयर से जुड़ी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो आप 1 वीक तक या तो 10 दिन तक डेफिनेटली ट्राई करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इससे, क्योंकि ये जो टेक्निक है आज से नहीं, सालों से चली आ रही है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको जो 2 ऑयल बताने वाली हूँ, एक तो है नींबू का ऑयल और सेकेंड यहाँ पर है सरसों का ऑयल। आप सबके घर में सरसों का ऑयल तो अवेलेबल होगा ही। तो जो सरसों का ऑयल होता है वो हमारी ड्राइनेस को दूर करने में, फटी एरिया को दूर करने में, हमारे जो घुटने या तो जॉइंट्स हमारे जो दर्द कर रहे होते हैं उसको ठीक करने का काम करता है। तो सेम टेक्निक आपको फॉलो करनी है। रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको सरसों का ऑयल थोड़ा सा गुनगुना करना है और उसको आपको नाभि में अप्लाई करना है। 3 से 4 बूंद इनफ होगी। इस तरीके से आपको जॉइंट में कोई भी पेन होगा तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, फटी एरिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सेम उसी तरीके से जो नीम का ऑयल होता है, क्योंकि नीम में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आपको डायरेक्टली फेस के ऊपर नींबू सूट नहीं करता है तो आप क्या करें कि 3 से 4 बूंद नीम का ऑयल आता है, नींबू का ऑयल आता है, वो आप आपकी नाभि में लगा लीजिए। नींबू का ऑयल फेस के ऊपर एक ब्लीचिंग इफेक्ट का काम करेगा और हमारे फेस के ऊपर जो भी दाग धब्बे होते हैं, स्कार्स के निशान होते हैं, पिंपल के निशान होते हैं, उसको ठीक करने का काम करेगा। तो अब गाइज मैं आपको यहाँ पर जो फाइनल बताने वाली हूँ वो है देसी घी। देसी घी आपको कब लगाना है, आप जब नहा लो उसके तुरंत बाद आपको थोड़ा सा देसी घी लेना है और आपको आपकी नाभि में लगाना है। जब मैं छोटी थी तब मुझे याद है मेरी मम्मी मेरी नाभि में घी लगाती थी। घी लगाने के कई सारे हेल्थ के फ़ायदे भी है और कई सारे स्किन के फ़ायदे भी है। इससे ड्राइनेस दूर तो हो जाती है बट बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। चेहरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, ग्लोइंग रहता है और विंटर हम चल रहा है तो विंटर में बिल्कुल भी ड्राइनेस आपको नहीं होगी। तो ये जो मैंने आपको अलग अलग तरीके के ऑयल बताए, नीम का, नींबू का, बादाम का, इस तरीके से अलग अलग ऑयल हमारी स्किन और हेयर के लिए काम करते हैं।
तो आपको सुनने में तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा कि क्या नाभि में ऑयल लगाने से रियली में हमें बेनिफिट्स होता है, बट यस गाइस होता है। आप एक वीक तक या तो 10 दिन तक ट्राई करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें खर्चा तो कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑयल होता ही है। तो आप एक मिनट या तो दो मिनट निकाल कर ये तरीका ट्राई करना, आपको 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें कुछ इन्वेस्ट तो करना नहीं है, बट अगर आप करोगे तो आपको रियली में अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो कि नाभि में ऑयल लगाने से हेल्थ और स्किन से जुड़ी कौन सी प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। तो आई होप कि मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट यहाँ पर पूरी की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे आपको मेरे चैनल में वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। बाय गाइस, लव यू ऑल।